नहीं ये असाइनमेंट नहीं थी, ये असाइनमेंट चल रही थी एक। देखो इस असाइनमेंट में A113 असाइनमेंट है ये। यहाँ तक हमने शायद हिंचेस वाला क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था कि इसको आपने कैसे ट्राई करना है। किसने देखा घर जाके? नहीं देखा। ओके हिंट देता हूँ कि दो तीन पार्ट से समझ आ जाएगा जी। हो गया ये? मैंने डिस्कस तो नहीं किया। नहीं मैंने ये हो गया। अच्छा हाँ अल्फा बीटा वाला हो गया था राइट, ये हो गया था। अच्छा ये भी हो गया था राइट, ये नहीं हुआ था है ना, ये नहीं हुआ था। ओके देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एंड एट ओरिजिन एट टाइम t = 0। एक बॉडी रेस्ट पे है एट टाइम t = 0। फोर्स एफ वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप एक चीज़ नोट करें, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था अल्फा बीटा वाला जो लास्ट टाइम किया था, तो उसके अंदर भी एक आर वेक्टर या एफ वेक्टर अल्फा बीटा की टर्म में गिवन है। नेक्स्ट ईयर फिर IIT में आया फिर वैसे ही गिवन है। 2018 का क्वेश्चन है ये इस करंट ईयर का। तो फोर्स वेक्टर गिवन है इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वेयर अल्फा एंड बीटा आर गिवन। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ओरिजिन एट टाइम t = 1 सेकेंड इज टाउ। 1 सेकेंड पे टॉर्क की वैल्यू वगैरह टाउ आएगी। टॉर्क आएगा कहाँ से? एफ और आर का क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, आर क्रॉस एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब इसमें आर वेक्टर तो मुझे दिख भी नहीं रहा वैसे तो, बट मुझे कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो निकालने का एक ही तरीका हो सकता है, मैंने मुझे पता नहीं है, एफ वेक्टर से मैं ए वेक्टर निकालूंगा, ए वेक्टर से इंटीग्रेशन करके वी वेक्टर आएगा, वी वेक्टर को इंटीग्रेट करके आर वेक्टर आएगा, इंटीग्रेशंस। तो बस इतना सा काम है इसमें, तो बस काइनेमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है रोटेशनल का। तो इसमें अब ऑप्शन मार्क करनी है आपको। एफ वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर में अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें 1 है, तो एफ वेक्टर को पहले अल्फा बीटा 1 पुट करके टाइम की फॉर्म में ये एफ वेक्टर है। फिर मैंने फोर्स को क्या लिखा? मास इंटू एक्सेलेशन, मास इंटू एक्सेलेशन, एक्सेलेशन को dv/dt लिख लिया। मास इस क्वेश्चन में 1 kg गिवन है तो dv/dt आ गया। dt राइट साइड पे गया, dv = this term into dt मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके मेरे पास वी वेक्टर आ गया। ठीक, वी वेक्टर आया तो वी वेक्टर किसके इक्वल है? dr/dt। वी वेक्टर इज इक्वल टू dr/dt डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो dt राइट की तरफ चला गया तो dr वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसको इंटीग्रेट किया तो आर वेक्टर आ गया। ठीक, टाइम एंड में 1 सेकेंड पुट करेंगे ऑब्वियसली हम, तो आर वेक्टर आ गया। अब कुछ ऑप्शंस मुझे चेक करनी है, ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं उसने। देखो ना इसमें यही प्रॉब्लम है, एक एक पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले पार्ट में टॉर्क निकालना पड़ेगा, सी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, डी पार्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो आप चेक कर सकते हो, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है। आर कहाँ से आएगा? नीचे से आएगा, जो निकाला आर वेक्टर मैंने दिखाया नहीं, यहाँ से एफ वेक्टर हमें मालूम है। टाइम को 1 सेकेंड जरूर पुट कर लेना प्लीज़। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे टाउ वेक्टर आएगा -1/3 के कैप, तो मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की अलॉन्ग इसकी वैल्यू है, मार्क कर लेना जो भी इसका ऑप्शन है। फिर उसके बाद वी वेक्टर, फिर उसमें वेलोसिटी वेक्टर भी चेक करनी है 1 सेकेंड पे कितनी है, तो वी वेक्टर लिखो, टाइम को 1 सेकेंड पुट करो, वेलोसिटी वेक्टर देख लो कितना है, अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं। फिर क्या है? आर वेक्टर, आर वेक्टर में अब आर वेक्टर के अंदर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, उसने आर वेक्टर नहीं पूछा, उसने क्या पूछ ली? डिस्प्लेसमेंट पूछ ली। आर वेक्टर क्या शो करता है? पोजीशन। उसने क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में अब एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे आर वेक्टर निकालेंगे, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आर वेक्टर निकालेंगे, तो R2 वेक्टर -R1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें बाई चांस चांस की बात है, R1 वेक्टर तो 1 सेकेंड में इतना आया, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे R1 वेक्टर ही बिल्कुल 0 हो गया, और इन्हों जो माइनस करेंगे तो R1 वेक्टर -R0 वेक्टर या R2 वेक्टर -R1 वेक्टर, जो भी इसका सिंबल लगाना है आपने, माइनस करके वही आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आंसर आ गया। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल पेपर जो आ रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज दिखाऊंगा, वो लगेगा आपको कि यार है कुछ किया है ठीक, बट इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। तो फिर से 2018 का दूसरा क्वेश्चन रोटेशनल का ये आया, रिंग डिस्क एंड आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल।
they start to roll without slipping at the same instant of time along the shortest path. Obviously, inclined plane, the shortest path to inclined plane itself. If the time difference between reaching the ground is given, the height of the top of inclined plane is what? So, niche time kaise nikalta tha, yaad hai? Rolling ke andar roll karti body niche aayengi. To acceleration kya hoti thi niche aane ki? G sin theta upon 1 plus k square by r square. तो पहले काम करेंगे दो बॉडीज है एक रिंग है और एक डिस्क है पहले रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 पुट करेंगे तो एक्सेलेरेशन किसकी आ गई रिंग की आ गई और ऐसे डिस्क के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1/2 पुट करेंगे तो डिस्क की एक्सेलेरेशन आ गई तो एक्सेलेरेशन ऑफ रिंग आ गई एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क आ गई अब ये काम करेंगे जो हाइट है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ये हाइट h है जो हमें निकालनी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर क्या हो रही है ये कवर हो रही है sin थीटा sin 60 is equal to h by s s is equal to h by sin 60 तो ये डिस्प्लेसमेंट s की जगह क्या यूज करेंगे दोनों साइड में h by sin थीटा तो मान लो एक रिंग है रिंग के केस में h by sin थीटा इज 0 plus 1/2 gt at स्क्वायर एक्सेलेरेशन रिंग के केस में g sin थीटा by 2 और टाइम टेकन इज t1 और यहां से t1 की वैल्यू आ गई और थीटा को प्लीज पुट कर लेना 60 डिग्री ठीक है यहां तक उसी तरीके से आपके पास क्या आ गया सेम चीज अब किसके लिए लगेगी डिस्क के लिए h by sin थीटा 1/2 अगेन 1/2 at स्क्वायर एक्सेलेरेशन डिस्क की पुट कर लेना 2/3 g sin थीटा into t2 स्क्वायर यहां से t2 आ गया वो क्या कह रहा है टाइम का डिफरेंस कितना है गिवन है क्वेश्चन में फिर रह गया क्या टाइम का डिफरेंस गिवन है यहां से h निकाल लेना यार मैं कहता हूं क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया आ गया बहुत 2018 में गिने चुने 4-5 क्वेश्चन है और क्या बढ़िया क्वेश्चन है मेरे को लगता है कि बिल्कुल अपनी रेंज में है आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन दिखाता हूं वो भी कैसे होते हैं मतलब वो लगता है कि नहीं यार ये मुश्किल हो रहे हैं ठीक तो मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लगा 2018 का एक और क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग तो इसके अंदर इन द लिस्ट गिवन बिलो आपको इसमें 4 डिफरेंट पाथ ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन दीस फंक्शंस अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट सच दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इन ईच केस द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज आइदर जीरो और कंजर्वेटिव तो जीरो है और या जीरो है या कंजर्वेटिव अभी यूज करूंगा मैं इसे लिस्ट 2 और जो इसमें कुछ क्वांटिटीज गिवन है जैसे ये लीनियर मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है और लास्ट में टोटल एनर्जी है ठीक और आपको इसमें बस मैच करना है कि अगर r वेक्टर मेरा ये होगा तो बताओ क्या चीज कांस्टेंट रहेगी ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो अगर r वेक्टर ये लेंगे तो बताओ p वेक्टर कांस्टेंट है l कांस्टेंट है टॉर्क कांस्टेंट है या एनर्जी कांस्टेंट है फिर r मैंने चेंज कर दिया तो बताओ ये चीजों में से क्या चीज कांस्टेंट है फिर r चेंज किया क्या कांस्टेंट है फिर r चेंज किया फिर क्या कांस्टेंट है लंबा है अच्छा खासा लंबा है क्योंकि एक r लेके कैलकुलस यूज करके ये सारी क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी तो कितनी हो गई 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 15-20 तरीके से आपको ये करना पड़ेगा ट्राई बट रेंज में है देखते हैं कैसे जैसे मान लो पहले p ऑप्शन आपने ली p ऑप्शन में r वेक्टर टाइम डिपेंडेंट है इसके इक्वल है ठीक फिर v वेक्टर क्या होता है dr/dt जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो टाइम उड़ गया इसमें से देखो डिफरेंशिएट करते हुए और टाइम उड़ गया इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम तो v इज अ कांस्टेंट v कांस्टेंट है लीनियर मोमेंटम p भी कांस्टेंट है ये कैसे मार्क करना समझ में आ रहा है तो यहां से एक्सेलेरेशन करेंगे तो जीरो आ गई एक्सेलेरेशन जीरो आ गई तो मोमेंटम तो वैसे ही कांस्टेंट मैंने बता ही दिया काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि v इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो इट इज अ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट अब कंजर्वेटिव वर्ड आ रहा है और एनर्जी और फोर्स का रिलेशन क्या होता है कंजर्वेटिव में f = -du/dr इस केस में -du/dx या dy जो भी करोगे तो इसके अंदर जो u एनर्जी है क्योंकि फोर्स इसमें जीरो है फोर्स क्यों जीरो है क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है तो एक्सेलेरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो है ठीक हो गया तो u इज अ कांस्टेंट अब टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कांस्टेंट होती है एक पार्ट तो इसमें सभी में मार्क करना है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इसमें लॉस तो कहीं है ही नहीं इसमें तो इस केस में जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है पोटेंशियल कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट और वैसे भी पता लग ही रहा है इसमें काइनेटिक पहली कांस्टेंट है क्योंकि v कांस्टेंट है काइनेटिक कांस्टेंट है पोटेंशियल हमने प्रूव कर दिया कांस्टेंट है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल भी कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट तो dl अब एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल पे आ जाते हैं dl/dt क्या होता है टॉर्क
और टॉर्क क्या होता है डीएल बाई डी टी, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब इस क्वेश्चन में फोर्स तो जीरो है, फोर जीरो तो एल इज अ कॉन्स्टेंट, फोर जीरो तो एल कॉन्स्टेंट, तो पी के साथ मार्क कर लेना क्या क्या कॉन्स्टेंट है, सारे कॉन्स्टेंट है इसमें। तो एक नंबर आपको यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन का, अभी एक हुआ है फिर मल्टी हुआ है ना, हर ऑप्शन का अलग अलग मार्क्स है स्कीम, फिर हो सकता है आप कहीं अटक भी जाएं, गलत भी कर सकते हैं। अब आर वेक्टर, फिर से आर वेक्टर चेंज हो गया, कॉस और साइन में चला गया, तो जब डिफ्रेंशिएट किया वी वेक्टर आ गया, वी वेक्टर को डिफ्रेंशिएट किया ए वेक्टर आ गया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर आर वेक्टर में टाइम आ रहा है, वी में टाइम आ रहा है, ए में भी टाइम आ रहा है, ठीक। और एक्सेलेरेशन के अंदर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और इसकी जगह क्या कर लिया आर वेक्टर, एसएचएम की इक्वेशन दे दी आपको, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई वाली। अब देखने वाले को पता लग रहा था कि ये एसएचएम के साथ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ये वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ। अब आर वेक्टर के अगर आप कैप देखो, जो एक्सेलेरेशन वेक्टर है और आर वेक्टर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे है, माइनस साइन आ गया ना, ऑपोजिट होते हैं, 180 पे है, तो आर क्रॉस एफ ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल या एंटी पैरेलल में ऑब्वियसली क्या हो जाता है टॉर्क, ये साइन ऑफ 180 जीरो देगा। तो टॉर्क इसमें अगर जीरो है तो टॉर्क होता क्या है डीएल बाई डी टी, तो एल इज अ कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट आ गया इसमें, सही है। देख रहे हैं डायरेक्शन से आर क्रॉस एफ कैसे कर लिया, डायरेक्शन डायरेक्शन से कर लिया, करने की जरूरत ही नहीं है। फिर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दी कंजर्वेटिव सिस्टम में, या तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर, या फिर इंटीग्रेशन की फॉर्म में डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। एफ क्या होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, आर वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकल के क्या आने वाला है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है सॉरी, डॉट प्रोडक्ट में आर इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ जीरो, जीरो नहीं होगा ना, ये डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि, राइट। तो आपके पास सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई, देखो ओ सॉरी आर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आर चेक करना पड़ेगा, टाइम दिख नहीं रहा इसमें, आर स्क्वायर है लेकिन आर वेक्टर इसके इक्वल है, ठीक। अभी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बाद में आ रहे हैं, आर वेक्टर इसके इक्वल है तो आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों का स्क्वायर करके आ जाएगा। आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आर के अंदर तो दिख ही रहा था टाइम आ रहा है, आर के अंदर टाइम आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी टाइम आएगा, आर टाइम डिपेंडेंट है तो एनर्जी भी टाइम डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट होएगी नहीं इसमें, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोथ। तो ना आर कॉन्स्टेंट है ना पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट है। तो इसमें दो ही चीज़ें कॉन्स्टेंट आ रही हैं, एक तो आपका एंगुलर मोमेंटम एल आ रहा है, और क्या आ रहा है इसमें टोटल एनर्जी ई आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है, पार्ट मिस भी हो सकता है, बट एक अच्छी बात यह है कि इसमें मैजिक फॉलोइंग है, चार पांच ऑप्शन होंगे तो इलिमिनेशन से भी काम तो चलता ही है इसमें, ठीक। अभी खत्म नहीं हुआ, फिर आर वेक्टर, फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब फंक्शन चेंज किया, फिर मैंने वी वेक्टर निकाला, वी वेक्टर इसके इक्वल आया, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकाला इसके इक्वल आया, और इस मैग्नीट्यूड में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑटोमेटिकली वन बन गया, कॉन्स्टेंट आ गया, हाँ मैट्रिक्स है, मैंने बनाया नहीं इतना लंबा क्वेश्चन था तो मैं से मैट्रिक्स था मैच करना है, ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा गिवन थी इसमें, ये बाई पार्ट्स ही है तो एक ऑप्शन कर दिया तो उसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं किया तो उसका गलत हो जाएगा। ये तो चार क्वेश्चनों के बराबर है ना, हाँ ये तो इंडिपेंडेंटली मार्किंग है, ये तो अगर एक ठीक किया तो पार्शियल मार्किंग बोलते हैं इसे, पार्शियल मार्किंग है इसमें। अब ये तो है नहीं कि अब एक पार्ट तो ठीक होएगा है ना, एक नहीं दो भी हो सकते हैं पार्ट ठीक, दो गलत भी हो सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं, चांस वैसे कम ही है, कर ही लोगे इतना तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के बाद, ठीक। तो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद दिखने स्टार्ट हो जाता है, जब लोगों को पता है ना यार साइन कॉस में टर्म चल रही है तो पता ही है उसका मैग्नीट्यूड, देखो ना आर वेक्टर का वन आ रहा है आई, और पता लग जाता है वहाँ से कि वन देगा आपको, तो थोड़ा आइडिया तो होता ही है। चलो इन एनी केस वी वेक्टर कॉन्स्टेंट है, फिर एक्सेलेरेशन को डिफ्रेंशिएट किया, ये स्टेप दिखाए हुए मैंने, तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आई वो इसके इक्वल आई, इसमें से माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, और जो बची हुई टर्म है वो आर वेक्टर के इक्वल आ गई, क्योंकि आर वेक्टर कांस्टेंट है तो मेरी एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, तो इस केस में टॉर्क क्या है आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ में एक्सेलेरेशन आर वेक्टर फिर से एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, माइनस साइन के साथ एस एच एम वाली सेम इक्वेशन बन गई, तो फिर से एल वेक्टर क्या जाएगा कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी हमेशा ही कॉन्स्टेंट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है, बस ये आप एक बार प्रैक्टिस करना, और बस थक गया था इसका करते 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 करते, तो आप समझ सकते हो कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा जो आप करेंगे, बट इतनी पेशेंस चाहिए क्योंकि तीन तीन घंटे आपको मिलेंगे उसमें,
ठीक ठाक पेशेंस चाहिए बैठने की भी उस टाइम और इसको आराम से सॉल्व करने की. बस एक ही इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, गंदा काम नहीं करना. क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में ना काम ख़राब हो जाता है और फिर कुछ ना कुछ वेरिएबल रह जाता है. हालांकि मैथ्स के अंदर कैलकुलस आने वाला है, तो कैलकुलस में तो ये आम चीज़ हो जाएगी आपके लिए, तो बहुत बड़ी बात रहेगी भी नहीं. हो सकता है आप स्टेप्स मिस कर करके भी काम कर ही लेंगे उस टाइम. तो ठीक, तो वो तो मैंने किया चलो समझाने के लिए, अदरवाइज हो जाएगा काम. ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी. तो रोटेशनल 2018 के अंदर तो मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ आया, जबकि असाइनमेंट के क्वेश्चन कुछ टफ जरूर है. और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा आता है, पिछले साल और पिछले साल का जब मैं और करवाऊंगा आप देखना उसमें कोई क्वेश्चन सच में मतलब ऐसे आए हैं जो ठीक लगते हैं कि हाँ मुश्किल क्वेश्चन है. कुछ नहीं कह सकते कि कैसा आएगा, बट इस बार तो पेपर ठीक ही आया. रादर 2017 का भी ठीक था जो लास्ट टाइम कल किया हमने, और 16 वाला 16 भी ठीक था, 18 भी ठीक था, 17 मैंने देखा नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कल करके लाऊंगा वो. नेक्स्ट जो हमने आज करना है, ये आज एक असाइनमेंट मिली है आपको. जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A114 का प्रिंट आउट लेंगे. 114 सब्जेक्टिव शीट 19 पे ना जाएं, 114 लें, A114. देखो इसमें रॉड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. इसमें देखो एक रॉड गिवन है, ये रॉड गिवन है, मैंने अलग से यहाँ बना ली प्लीज, ये थोड़ा क्लियर डायग्राम नहीं है, ये सही है. तो रॉड गिवन है आपको, एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ गिवन है टेढ़ा, और आपको एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ गिवन है टेढ़ा, वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर, और मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा, बस ये गिवन है. तो मतलब वेलोसिटी के दो एंड, मतलब ऐसे वेलोसिटी नहीं गिवन इसकी, टेढ़ी वेलोसिटी, कोई ऐसे खींच रहा है इसे तो कोई ऐसे खींच रहा है. ठीक, ऑब्वियसली रोटेट तो करेगी, किसी एंगल पे खींचोगे तो रोटेशन तो होने वाली है इसमें. तो वी ए की वैल्यू अनइक्वल वेलोसिटीज है, वी ए की वैल्यू इसमें वी ए, और वी बी की वैल्यू इसमें टू बी है, एक वी और एक टू बी है. इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा है तो इंक्लिनेशन ऑफ बीटा निकालो रिलेटिव टू द रॉड, आपको बीटा निकालना है, अल्फा आपको गिवन है. इस टाइप के रॉड के क्वेश्चंस करने का एक ही स्टाइल है, आप वेलोसिटी के पहले कंपोनेंट्स लेंगे. इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वी ए कॉस अल्फा, वी ए साइन अल्फा, हाँ वी भी आएगा, इंक्लिनेशन ऑफ बीटा वी भी आएगा, राइट वी भी आएगा, मतलब बीटा निकालना है शॉर्ट. ठीक, तो इसके अंदर वी बी और वी ए के दो कंपोनेंट्स ले लिए. तो याद रखना जो रॉड है वो रिजिड रॉड है, बेंड तो होगी नहीं. तो जिस वेलोसिटी से वो यहाँ मूव कर रही है, ये तो होगा नहीं कि ये वाला एंड तेज मूव करेगा ये वाला स्लो मूव करेगा, बिकॉज है तो रिजिड रॉड, तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम. तो रॉड के अलॉन्ग जो वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट हैं उनका मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सेम. इसलिए कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करना है, तो रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी को सेम कर देना है, और आपको एक मैग्नीट्यूड वी गिवन है और दूसरा मैग्नीट्यूड टू वी गिवन है. सॉल्व करके आपके पास कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू आएगी, आपको बीटा निकालना है, बीटा कॉस इनवर्स में आ जाएगा, एक आंसर आ गया. फिर आपको इसी क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, ओमेगा निकालना है. ओमेगा निकालने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, अगर ये रॉड है और मान लो इसका एक्सिस है और ये फिक्स्ड है और आप इसे रोटेट कर रहे हैं विद ओमेगा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा का वी बाई एल, वी इक्वल टू एल ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू वी बाई एल, एक ही बात है, ये लगाएंगे फॉर्मूला. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला एंड भी मूवेबल है और ये एंड भी मूवेबल है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला वी इक्वल टू आर ओमेगा में हम ये मानते हैं कि ये एक्सिस रेस्ट पे है और सिर्फ ये मूव कर रहा है सम टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी इसके 90 डिग्री पे होती है, ऐसे होता है. पर इस केस में क्या हो रहा है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है. तो ऐसे केस में हम एक काम करते हैं, हमारी देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोड़ दो, ये रोटेशनल मोशन जनरेट नहीं कर सकते. रोटेशनल मोशन जनरेट करने के लिए वेलोसिटी टेंजेंशियल चाहिए, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए. परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं. अगर मुझे ये करना है कि ये वाला पोर्शन इमेजिन करना है कि अगर रेस्ट पे हो जाए, फिर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर. तो एक काम करेंगे रेस्ट पे बनाने के लिए, हम इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, लेकिन फिर हम इसकी या इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, एक ही बात है वो. तो हम बी की वेलोसिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, और अगर इसको रेस्ट पे मानना है तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कुछ भी कर लो. तो जब हम माइनस करते हैं तो हम क्या मानते हैं, जैसे मेरी कार जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 60, आपकी कार जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 40, तो मेरी रिलेटिव स्पीड कितनी है, 60 में से 40 गया 20, तो मैं जब अपना आंसर बोलूंगा 20 तो ये मानूंगा कि ये बॉडी किस पे मेरे लिए एट रेस्ट. तो किसी भी वेलोसिटी में से किसी वेलोसिटी को माइनस कर दो, तभी मैंने क्या लगाया, मैंने मॉड लगा दिया. तो मैंने वेलोसिटी ऑफ ए निकाला विद रिस्पेक्ट टू बी, या बी निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू ए, आंसर तो सेम ही आना है, तो अल्टीमेटली आपको माइनस ही करना है इन्हें.
तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इससे क्या माना जाएगा कि ये वाला पोर्शन रेस्ट पे और ये वाला मूव कर रहा है ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए बी में आपको एक वेलोसिटी यहाँ गिवन है, मान लो इट इज पॉजिटिव, और इसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी में दिस माइनस माइनस वी बी साइन बाई एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सुन में आ रहे हैं, जब दो एंड की वेलोसिटीज गिवन हो तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करके ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट है, एक डिस्क है, ये डिस्क, इसकी जगह ये डायग्राम सही है, ये डिस्क एक आर रेडियस की है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूमती जा रही है और अल्फा भी है इसका, ओमेगा का मतलब चलो घूम तो रही है, अल्फा का मतलब स्पीड बढ़ती हुई घूम रही है, एंड लीनियर एक्सेलेरेशन ए है, तो घूम तो रही है, कोई इसके सेंटर ऑफ मास को आगे भी लेके जा रहा है, तो ये तो मतलब वो रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन मोशन दोनों ही हो रहे हैं इसमें। क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट 1 2 एंड 3। तो नेट एक्सेलेरेशन बतानी है 1 2 3 पे, तो पहले मैंने 1 केस लिया, 1 केस में क्योंकि ये घूम रही है तो ए को 2 मिनट छोड़ दो, खड़ी खड़ी भी घूम रही है 1 मिनट के लिए, तो आर अल्फा तो तब भी होगा टेंजेंशियल, तो इस केस में एक एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ आर अल्फा। आर अल्फा क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें अल्फा गिवन है, इसमें हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इसमें कितनी होगी, आर ओमेगा स्क्वायर होगी, एंड इसमें आर अल्फा क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी, और एक इसके बाद ये भी एक्सेलेरेशन है जो आपने सेंटर ऑफ मास को दी हुई है, तो बेसिकली नेट एक्सेलेरेशन दिस प्लस दिस आई कैप, और क्या हो जाएगा जी कैप, वेक्टर फॉर्म में आ गया, मैग्नीट्यूड एक एक ये एक्सटर्नल गिवन है, हाँ गिवन है, कोई लगा रहा होगा फोर्स आगे की तरफ, नहीं 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 ये वो नहीं, हाँ इसमें कन्फ्यूजन होती है, ए का मतलब सेंट्रीपिटल तो नहीं है, नहीं वो नहीं है, मतलब घूम तो रही थी, किसी ने ऐसे पुश भी कर दिया, हाँ ये एक्सटर्नल है। ठीक, अब वैसे ही अगर मान लो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो आर अल्फा नीचे हो जाएगा, ए आगे हो जाएगा, तो अगेन अब क्या करोगे, ए इसमें सेंट्रीपिटल राइट मूव, ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि नेट एक्सेलेरेशन दिस माइनस दिस आई कैप और आर अल्फा की जगह माइनस जे कैप। नेक्स्ट है, टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दिख ही रहे आर अल्फा राइट हो जाएगा, ए तो है ही राइट, और आर ओमेगा नीचे की तरफ, आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसके पीछे लग जाएगा आई के पीछे क्या लग जाएगा, माइनस जे कैप। तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है। और एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम शायद हमने ऐसा किया था, कहीं पर भी होगा, अगर कहीं भी लेना है हो जाएगा, कहीं भी लेना है, तो अगर कहीं भी लेना है तो सपोज करो यहाँ ले लेना है, तो कहीं भी लेना है तो इसमें ए तो होगा ही होगा फिर, एनी केस ये इसका सेंटर है, तो इसकी ना जो आर अल्फा की वैल्यू है, मान लो ये स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर अल्फा ऐसे हो जाएगा, और इसमें सेंट्रीपिटल ऐसे होगा, तो वेक्टर सम में कुछ एंगल्स गिवन होंगे, फिर वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, वेक्टर सम होगा, डायरेक्शन में 90 डिग्री नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रॉड वाला क्वेश्चन है, एक रॉड एक दीवार, ये कल लास्ट टाइम किया था शायद ऐसे, शीट मिली है, मिली है नहीं मिली, लेके आना फिर एक मिनट। ले आओ ना बाहर से ले आओ, एक मिनट प्रिंट ले आया। A114 तो इसके अंदर रॉड है और रॉड में नीचे आने की वेलोसिटी वी बी और इधर जाने की वेलोसिटी वी ए, या वी है इधर गिवन है इस एंड की, और एंगल किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो वी के दो कॉम्पोनेट्स हो जाएंगे, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, और ऐसी वी बी के कॉम्पोनेट्स हो जाएंगे, वी बी कॉस थीटा वी बी साइन थीटा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो लास्ट टाइम हमने किया था, हमने कैलकुलस से किया था, एल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया, आंसर आया था सही है, वो भी सही है। दूसरा एक और तरीका जो आज अभी किया, रॉड वाले क्वेश्चन करने का क्या तरीका किया कि रॉड के अलॉन्ग वेलोसिटी कॉम्पोनेंट हमेशा सेम है, तो अलॉन्ग दी रॉड मैंने बताया था वी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा, तो ये तो इक्वल हो गया, तो यहाँ से वी बी की वैल्यू क्या आ गई, वी टेन थीटा। एक ही स्टेप में कोई कैलकुलस नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा आंसर आ गया। और दूसरा ओमेगा, ओमेगा के लिए अभी आज डिस्कस किया कि इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स पर पेंडिकुलर है, तो एक को रेस्ट पे मानते हुए रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, कोई भी वेलोसिटी में से किसी वेलोसिटी को माइनस कर लो, डिवाइडेड बाय लेंथ एल, अभी जो रॉड वाला क्वेश्चन किया था, तो यहाँ से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, वी बी की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर देना ओमेगा आ जाएगा, ठीक, नहीं तो कैलकुलस तो है ही है। ये रॉड है और इसमें हम ये मानते हैं दोनों के दोनों अगर इधर जा रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि ये रेस्ट पे हो जाता, रेस्ट पे होने से फिर ओमेगा निकालना आसान हो जाता है v बाय l, लेकिन अब रेस्ट पे कैसे आएगा, इसमें तो वेलोसिटीज गिवन है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, इस एंड की वेलोसिटी मान लो इस एंड से बड़ी है, माइनस कर दो तो ये रेस्ट पे मान लिया, ओमेगा निकाल दिया। तो सॉल्व करने का जल्दी क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सपोज करो ये एक रॉड गिवन है, ये रही ओमेगा गिवन है, और ओमेगा गिवन है और वो ये कह रहा है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल व्हेन इट्स एंड ए मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी ए वी आई कैप एंड रॉड रोटेट्स विद ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय माइनस वी बाय टू एल। अब दो मिनट सोचो कि ये, कई लोग सोचेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्सिस मान के ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय एल आंसर आ गया, खत्म, नहीं ना, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय एल आंसर आया वो कब, जब आपने इसको रेस्ट पे माना, पर वो कह रहा है कि ओमेगा वी बाय एल है ही नहीं, अगर ओमेगा वी बाय एल होता तो एक एंड ऑब्वियसली रेस्ट पे होता, ओमेगा किसके इक्वल है, वी बाय टू एल। यहीं से आइडिया हो रहा है कि इसका एक्सिस एल डिस्टेंस पे वैसे ही नहीं है, इसका एक्सिस टू एल डिस्टेंस पे है और ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है, ठीक, तो ये प्रॉब्लम किसकी है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। होता क्या है आईओआर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अंदर बेसिकली ये मानते हैं, मतलब इसलिए गिवन नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये कंपोनेंट ये रॉड का हिस्सा भी मूव कर रहा होगा। कैसे पता लगा, अगर ये मूव ना करता तो यही एक्सिस हो जाता तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय एल, और अगर ये एक्सिस है फिर ये कैसे हो सकता है कि ये हिस्सा रेस्ट पे, फिर तो ऑब्वियसली दो पूरी की पूरी रॉड इसके आसपास इस तरीके से रोटेट कर रही है, पूरी की पूरी रॉड ही मूव कर रही है और ये अलग वेलोसिटी से, ऑब्वियसली अलग वेलोसिटी से क्योंकि एक्सिस से इसका डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये जो इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं हम, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं,
और आई ओ आर निकालने का एक बड़ा सिंपल रूल है, जो वेलोसिटी वेक्टर्स आपको गिवन है उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो वो जो परपेंडिकुलर जहाँ मिलते हैं वही आपका आई ओ आर होता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो दो वेलोसिटी वेक्टर राइट की तरफ ही हैं, तो पता ही है कि कहीं यहाँ कहीं होगा। तो ये हमारा आई ओ आर होगा, इसके अबाउट रोटेशन हो रही है। एक्चुअल में ये आपने खुद ही एज्यूम करना है ओमेगा की वैल्यू को देखते हुए, कोई बताएगा नहीं कि एक्सिस यहाँ मिलेगा, आपको पता लगेगा ओमेगा वी बाई एल नहीं है, इसका मतलब एक्सिस एल पे है ही नहीं, एक्सिस कहीं 2L पे है। तो वैसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही लग रहा है कि एक्सिस 2L पे है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व ओरली। बट अगर सॉल्व करना हो तो मान लो एक्सिस कहाँ पर है, एक्स पे है, ये डिस्टेंस कितना है एल है, तो ओमेगा की वैल्यू पूरी रॉड की कॉन्स्टेंट है, चाहे वो ये वाला एंड है, चाहे ये वाला एंड है, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला एंड है। ओमेगा होता क्या है, वी बाई एल। तो इस वी डैश के हिसाब से ओमेगा क्या आएगा, वी डैश के हिसाब से ओमेगा आएगा वी डैश डिवाइडेड बाय, गलत कर दिया इसमें कैलकुलेशन, वो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इन एक्चुअली मैंने ना पहले ये एक्स पूरा ये लिया था एक्स, फिर मैंने चेंज फ्लूइड लगा के एक्स ये कर लिया, इसको क्रॉस करना प्लीज, मुझे ये करना, इसको प्लीज क्रॉस कर दो इक्वेशन को, इसे क्रॉस करो एक मिनट। देखो अब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे ओमेगा यहां पर आएगा वी डैश डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल, ये एक्स है ये एल है, तो क्या बचा एक्स में, तो ये कितने रेडियस में घूम रहा है वी डैश, एक्स माइनस एल, तो रेशियो क्या बनेगी ओमेगा की, वी डैश डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल। या फिर एक और तरीका है ओमेगा निकालने का वी से, वी का रेडियस कितना है एक्स, तो ओमेगा तो सेम ही आएगा, चाहे एक हिस्से से निकालो चाहे दूसरे से निकालो, तो इससे निकालेंगे तो वी डैश बाई एक्स माइनस एल, इससे निकालेंगे तो v बाई एक्स, इक्वेट कर सकते हो वहां से आंसर आएगा, इफ नीडेड मतलब यूज कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा, r नहीं चेंज हो रहा इस एक्सिस से दूरी नहीं। तो अब ये जरूरत नहीं है करने की, मैंने ऐसे बस स्टेप दिखाया था, जरूरत है इस चीज की करने की। ओमेगा इज इक्वल टू इसमें क्या कर सकते हैं v बाई एक्स, हमें तो x निकालना है कितनी दूरी पे आए हुआ टॉप मोस्ट पॉइंट से, ओमेगा का मैग्नीट्यूड इस क्वेश्चन में गिवन है पुट कर लोगे तो 12, पर मेरे हिसाब से इसको तो पेन को टच भी नहीं करना था, वैसी एक्सपीरियंस से 12 दिख रहा था, ठीक है ना। यहां तक नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन पढ़ लो एक बार प्लीज, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियंस पर सेकेंड एंड पॉइंट पी मूव विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो पी पॉइंट मूव कर रहा है और ए भी इस क्वेश्चन में गिवन है, तो ये फिक्स नहीं हो सकता, ये ट्रांसलेशन मोशन में तो है ही है, एक्सटर्नल ए की किसने दिया हुआ है इसे, तो एक्सेलरेट भी कर रहा है और इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 1 है, वैसे एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस इंस्टेंट पे 1 है, अगले इंस्टेंट पे हो सकता है इंक्रीज भी हो जाएगी। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सलेशन ऑफ क्यू, तो क्यू के बारे में वो कह रहा है कि आपका क्या इसमें सजेशन है, तो मुझे पता है कि इस केस में अगर हम क्यू की बात करते हैं तो लेंथ इसकी एल है और अगर ये 60 या 90 तो ये 30 है, तो इस केस में इसकी जो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी तो मुझे दिख ही रही है कितनी है 1 मीटर पर सेकंड है, वो तो आगे जाने की ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो किसी हर पूरी रॉड की 1 मीटर पर सेकंड रहेगी, वो तो रहेगी रहेगी, साथ में इसके बाद टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी इसमें क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा,
तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ट्रांसलेशन मोशन की वजह से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर रोटेशनल मोशन नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको रोटेट कर रहे हैं। हालांकि मेरे को लगता है क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, अगर ये वी इधर ड्रॉ करेंगे इसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करके पुराना क्वेश्चन ही बन जाएगा, रॉड वाला बनना चाहिए। तो इस केस में अगर वैसे नहीं करना रिलेटिव से तो वैसे क्वेश्चन हो ही गया सॉल्व, क्योंकि ये वाला पॉइंट फिक्स ही है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा, ये रोटेशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये सिर्फ ऐसे मूव करता जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा साथ साथ उसके अबाउट घूमेगा और ये पूरा अरेंजमेंट आगे ऐसे जा रहा है मूव करता हुआ। तो हमने क्या किया, इसको इंडिपेंडेंट ले लिया, इसको ऐसे किया, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, ट्रांसलेशन की वेलोसिटी आ गई, और एक वेलोसिटी कंपोनेंट v = r ओमेगा से हमने टेंजेंशियल निकाल ली। फिर नेट वेलोसिटी क्या होगी, इनका वेक्टर सम, तो वेक्टर सम लेंगे तो ये 30 डिग्री या 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल 120, तो वेक्टर सम लगा दिया, वैसे ही आंसर आ गया। सेम वैसे ही अगर हमने क्या करनी है, यहाँ की एक्सेलेरेशन निकाल ली है, तो एक्सेलेरेशन के लिए इसकी एक्सेलेरेशन एक तो ट्रांसलेशन की 1 m/s² है, और एक रोटेशनल की वजह से क्या होगी, रोटेशनल की वजह से a इज इक्वल टू वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगी r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर में r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा गिवन है इस क्वेश्चन में नहीं, उसने ये नहीं कहा कि रॉड अपनी ओमेगा बढ़ा रही है, नहीं ये नहीं कहा उसने, तो हम इसमें अगर ये बढ़ा रही होती तो मेरा ना यहाँ पर एक और कॉम्पोनेंट ऐड हो जाता आर अल्फा, अल्फा तो गिवन ही नहीं है, कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ ही ये रोटेट कर रही है, हाँ ट्रांसलेट कर रही है वो अलग बात है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल आएगी, टेंजेंशियल नहीं आएगी इसमें, ठीक, एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल 80 नहीं आएगा, 80 तब आता है जब ओमेगा चेंज हो, तो इसमें इन दोनों में एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो वेक्टर सम निकाल लिया, कॉम्पोनेंट से ही हो गया अलग अलग, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्पोनेंट है, ठीक। जैसे नेक्स्ट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ आई ओ आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आई ओ आर की पोजीशन में जैसे वह फर्स्ट डायग्राम है, तो पहले डायग्राम के अंदर इससे पहले भी मेरे को ये बताना चाहिए कि अगर ये वाला केस करते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी वी होती, वी नीचे की वेलोसिटी भी वी होती, तो एक्सिस पता है क्या होता, सेंटर हो जाता, तो आई ओ आर सेंटर हो जाता। निकालने का तरीका, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां मिलेगा आई ओ आर उस एक्सिस पे होगा, ऑब्वियसली इनके बीच में ही होगा, तो अगर दोनों वेलोसिटी वी और वी होती तो हम नॉर्मल करते ही हैं, तो उस केस में आई ओ आर कहां पे आ जाता है, बीच में आता है। लेकिन अब मान लो वो कह रहा है ये तो वी और टू वी है, तो आई ओ आर शिफ्ट हो जाएगा कहां, जहां कम वेलोसिटी होती है वहां शिफ्ट हो जाता है, ये आई ओ आर के लेक्चर में शायद वहां से सुनने को मिलेगा आपको, उसका रीजन भी बता भी दूंगा। तो मान लो आई ओ आर की पोजीशन बतानी है, तो ये एक्स है, तो टोटल डायमीटर 2r है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2r - x है, तो आई ओ आर जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो स्टेशनरी माना जाता है, हमेशा एक्सिस है ना, रेस्ट है, तो अगर वो रेस्ट है तो जो भी पार्टिकल उसके आसपास घूमेंगे उसका ओमेगा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसको देखते हुए ओमेगा निकाल लूं, तो ओमेगा क्या होगा, 2v/2r - x, इसका रेडियस 2r - x, और इसके हिसाब से v/x, तो ओमेगा दो बार निकाल लिया, एक ऊपर से एक नीचे से, सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, तो एक्स मुझे निकालना है, तो एक्स की वैल्यू आई ओ आर के पोजीशन पता लगी मुझे कहां पर होगी, और आप खुद सोचो एक मिनट के लिए, अगर ये वी और वी होता तो ऑब्वियसली ये भी वी और वी हो जाता, कट जाते, एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली आर के इक्वल आ जाती, इसमें सेंटर आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना समझ में आ रहा है, तो आई ओ आर की पोजीशन खुद प्लेस करनी है कि इनके कहीं बीच में होगी, जहां भी होगी। अब लेकिन अगर सपोज करो दोनों वेलोसिटीज इस तरफ है, अब ऑब्वियसली ये कोई रोटेशन वाली बात तो हुई नहीं, कि ये ऐसे तो है नहीं कि आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है और आई ओ आर एक्सिस बीच में होगा। अब अगर ये इधर जा रहा है और अगर ये इधर जा रहा है, तो इमेजिन करो इनका एक्सिस नीचे होगा, तभी तो ये वेलोसिटी वेक्टर इसके लिए टेंजेंशियल मानी जाएगी, और इमेजिन करना है कि ऐसे घूमेगा, और ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो ये भी, मतलब ये दोनों के दोनों इमेजिन करो बॉडीज इस एक्सिस के आसपास मूव कर रही हैं, ठीक। तो आई ओ आर के लेक्चर में देखने को मिलेगा, इस सुनना पड़ेगा आपको वो। तो अगर दो वेलोसिटीज राइट की तरफ हैं तो आई ओ आर हमेशा नीचे मिलेगा, दो वेलोसिटीज अगर लेफ्ट और राइट है आई ओ आर एक्सिस के बीच में मिलेगा, दोनों अगर लेफ्ट है तो आई ओ आर ऊपर कहीं मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा, काई नहीं रोलिंग हो, ट्रांसलेशन ऐसा है ना, यहां नहीं ना, इसमें ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसे इमेजिन नहीं करेंगे ना, ये तो आप दो ही चीजों को देख रहे हो, या तो बॉडी वो कह रहा है कि रोल करेगी या नहीं करेगी, बस आप तो ऐसे देख रहे हो, खत्म,
ऐसे नहीं है, बॉल ऐसे भी तो घूम सकती है। मैंने बॉल को हाथ में लिया और इस तरीके से घुमा, या रॉड को ऐसे लिया, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे घुमा दिया रॉड को, ठीक है, वो रोटेट नहीं कर रही, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहाँ की टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग है यहाँ की, तो ऐसी बॉल है क्या, तो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, रोल नहीं करवा रहा, तो ये ऐसे अगर हाथ से घुमा दूंगा तो फिर तो वी और टू वी डिफरेंट ही होंगे ना। तुम्हें वो लीनियर दिख रहा है, पर क्या पता अगले इंस्टेंट पे उसको मोड़ दे, वो तुम्हें थोड़ा बताएगा मैं मोड़ रहा हूँ, तुम्हें बता देगा फिर तो तुम्हें पता लग जाएगा कि आई ओ आर नीचे है, तुम कहोगे सर एक्सिस नीचे होगा कहीं पर, वो तुम्हें बताएगा नहीं ना, तुम्हें यही तो चेक करना चाहता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटीज अनइक्वल है तो एक्सिस कहीं नीचे है और इस तरीके से रोटेशन होने वाली है। तो आई ओ आर के अबाउट ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वी डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ पर टू वी डिवाइडेड बाई टू आर प्लस, सॉल्व कर लेना एक्स आ जाएगा, एक्स आ गया तो ओमेगा तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आई ओ आर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक रॉड है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और अल्फा इस क्वेश्चन में गिवन है, और पिवट, पिवट का मतलब ए पॉइंट फिक्स्ड है, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकाल लो, ये बी पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लेना प्लीज, ये लेंथ एल है, तो इसमें अल्फा गिवन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसमें होगी इस एंड की कितनी, आर अल्फा, आर अल्फा की जगह एल अल्फा, तो इसमें ये थीटा, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा एल अल्फा के दो कंपोनेंट है, एल अल्फा कॉस थीटा, एल अल्फा साइन थीटा, तो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात खत्म हो गई, क्योंकि रोटेट भी कर रहा है तो इसके पास एक और एक्सेलेरेशन होगी आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपेटल, एल ओमेगा स्क्वायर, एल ओमेगा स्क्वायर के दो कंपोनेंट है, एक कॉस वाला और एक साइन वाला, तो एक्स कंपोनेंट में क्या यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी ऐसे जा रही है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, और वाई कंपोनेंट में ये दोनों कंपोनेंट एक डायरेक्शन में, तो इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है एक वॉल है, और ये सेम वही सेम क्वेश्चन है, चलो कर देते हैं। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि ये बी नीचे की तरफ आ रहा है और ए राइट की तरफ जा रहा है, जिन्होंने लेक्चर सुना होगा आई ओ आर का, मेरे ख्याल से उसमें एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है ऐसा, तो ये ए है और ये बी है, और अगर ये 5 मीटर, ये 37 गिवन है, तो ये डिस्टेंस तो आप निकाल ही लेंगे। आई ओ आर कहाँ होगा, ये पहला क्वेश्चन है। आई ओ आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका, वेलोसिटी के साथ जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वेलोसिटी ये रही, ये रहा परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर है परपेंडिकुलर, जहाँ ये मीट करते हैं ये आई ओ आर है, तो पहला आंसर मिल गया। आई ओ आर कहां पर होगा, ओ डैश पे होगा। हम ये मानते हैं कि ये वेलोसिटी, मतलब ये बॉडी और ये बॉडी इस एक्सिस को मानते हुए किसमें घूम रहे हैं ना, सर्कल, तो वी बी डिवाइडेड बाय ओ डैश बी मस्ट बी, ये ओमेगा आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो वी बी डिवाइडेड बाय ओ डैश बी इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाय ओ डैश ए, रेशियो निकाल लेना, यहां से आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन आई ओ आर से करना सबसे आसान माना जाएगा, मेरे को लगता है कैलकुलस तो कौन ही करेगा, ठीक, तो लेक्चर सुनना पड़ेगा आपको, वहां से आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट जो असाइनमेंट है, एक रील है, A115 असाइनमेंट है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं A115, इसके प्रिंटआउट लेने हैं। अ कॉटन रील ऑफ मास m, एक रील है जिसका मास m है और इसका इनर रेडियस स्मॉल r है और आउटर रेडियस कैपिटल r है, तो आप क्या कर रहे हैं इस पे, आपने एफ फोर्स को लगाया, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने क्या होगा, तो जब आपने इसको एफ फोर्स के साथ अप्लाई किया, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ है, तो अब क्या करेंगे, देखो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास निकालने का एक ही तरीका है, आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर इक्वेशन बनाएं, सेंटर ऑफ मास के इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक ही एक्सेलेरेशन आ गई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन में टेंजेंश लीनियर फोर्सेज लेनी है, ट्रांसलेशन फोर्सेज लेनी है, और ट्रांसलेशन फोर्स एक ही तो है एफ, तो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, खत्म। फिर दूसरा क्या निकालना है, अल्फा, अल्फा निकालने के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क किसने जनरेट किया, एफ ने, कितना किया, आर इंटू एफ, आर एल इज इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से अल्फा आ गया, दूसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट क्या निकालना है, नेट एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेंटर ऑफ मास चाहता है कि ये कहाँ जाए, आगे जाए, और रोटेशनल मोशन चाहता है कि कैपिटल आर अल्फा से ये पीछे जाए, क्योंकि इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, तो पीछे जाए, तो अब ऑब्वियसली अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है ये, अल्टीमेटली आगे जा रहा है या पीछे, जहाँ भी जा रहा है, मैंने मॉड लगा दिया नेट एक्सेलेरेशन में, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस कुछ भी, और अगर ये बराबर हो जाते हैं, ये प्योर रोलिंग हो जाती है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग होती तो पता ही होता पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की एक्सेलेरेशन क्या हो जाती, जीरो, पर ये प्योर रोलिंग बोला नहीं, सिंपल नेट एक्सेलेरेशन पूछ ली, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे,
अल्फा की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, सपोज एक रॉड है, ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम वो थोड़ा सही नहीं बना हुआ, ये सही है। तो एक रॉड है और जिसका मास एम है और लेंथ एल है, इतनी इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट फोर्सेस ग्रेविटी टेंशन एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब टेंशन है, ग्रेविटी का मतलब वेट लेना है, और फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। तो डायग्राम ऐसा है, ये टेबल है, टेबल का पॉइंट पी है, रॉड को टिका के रखा हुआ है और ये बांध रखा है स्ट्रिंग के साथ एट एंगल ऑफ 90। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस एल बाई फोर क्वेश्चन में गिवन है और ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये 90 गिवन है। ये बेसिक वो वाला डायग्राम को करेक्ट करके बनाया मैंने। ठीक ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कितनी एक्ट कर रही है। तो ठीक है, अभी स्ट्रिंग से बंधी हुई है तो स्ट्रिंग में क्या लेनी पड़ेगी आपको, टेंशन टी, ये टी आ गई। वेट कहाँ होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब एल बाई टू पे। वेट कहाँ पर है, एम जी। एल बाई टू का मतलब ये डिस्टेंस क्वेश्चन में एल बाई फोर गिवन है, तो ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एल बाई फोर, ताकि मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट का मतलब एल बाई टू, एम जी आ गया। और एक टेबल की रिएक्शन फोर्स लगेगी, पी पॉइंट पर कोना लग रहा है टेबल का, तो कोना क्या लगाएगा यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन एन, राइट। तो एन लग गया और ऑब्वियसली फिसलने की कोशिश करेगी रॉड नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, ऊपर। अगर रॉड नीचे जाएगी तो फ्रिक्शन ऊपर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो अब इस केस में एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ये 60, ये 60, तो 90 माइनस 60, तो ये 60, एम जी कॉस, एम जी साइन। ठीक है, एम जी साइन 60 से नीचे गिरने की कोशिश भी करेगी। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है, फोर्स निकालनी है फ्रिक्शन की, क्योंकि रॉड रेस्ट पे ही है, तो नीचे कौन गिर रहा है इससे, एम जी साइन 60, कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी साइन 60, आंसर। ठीक है यहाँ तक। और उसी तरीके से पी पॉइंट पे अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें टेंशन टी भी निकालनी है इसमें। तो एक काम करेंगे, पी पॉइंट पे टेबल का कोना को एक्सिस मानेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ये रॉड। तो पी पॉइंट अगर कोना है तो नॉर्मल रिएक्शन तो इसके ऊपर कोई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टॉर्क लगा नहीं सकता, नहीं लगाएगा, फ्रिक्शन भी नहीं लगाएगी क्योंकि वो भी एक्सिस में से पास कर रही है। कौन लगाएगा, एक इसमें लगाएगा एम जी कॉस 60, एक लगाएगा टी, ये भी नहीं लगाएगा, ये भी एक्सिस में से पास हो गया। ठीक है ना, तो इस मैंने इसका एक्सिस मान लिया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएं पूरे हर बॉडी इस सारे फोर्सेस के। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं लगाएगा, ये नहीं लगाएगा, ये नहीं लगाएगा, तो कौन लगाएगा, एक ये और एक ये लगाएगा। तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा रॉड के लेफ्ट और राइट की फोर्सेस। तो क्या होगी, टी इंटू दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये एल बाई टू है और ये एल बाई फोर, कितना, थ्री एल बाई फोर। टी इंटू थ्री एल बाई फोर इज इक्वल टू एम जी कॉस 60 इंटू एल बाई फोर, टी आ गया। ठीक है, तो यहां से टेंशन टी की वैल्यू आ गई आपके पास। कुछ नहीं करना, सारी फोर्सेस का प्रिंसिपल मोमेंट लगा के देख लेना है, अल्टीमेटली मिलेंगी तो दो ही आपको फोर्सेस, अपने आप जीरो आती जाएंगी। ठीक, एक आंसर आ गया। अब यहां तक तो ठीक हो गया कि एक तो टेंशन निकालनी है, ए और बी पार्ट हो गए। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रॉड निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रॉड निकालना है एन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए अगेन यहाँ पर एक काम करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ये वाली फोर्सेस इस एक्सिस के अलोंग है, तो इक्विलिब्रियम है, तो एन प्लस टी विल बी इक्वल टू क्या, एम जी कॉस 60। टी हमने निकाल लिया रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, तो एन प्लस टी इज इक्वल टू एम जी कॉस 60। यहां से क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन आ जाएगा। ठीक है यहां तक। तो नॉर्मल रिएक्शन एन कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट, अब वो क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग को मैंने कट कर दिया, यहां से स्टार्ट, अगली लाइन का पार्ट है वैसे, नाउ द स्ट्रिंग इज कट, ये अगला अगले पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं यहां से। ठीक, नाउ द स्ट्रिंग इज कट, फाइंड एल्फा एंड नॉर्मल रिएक्शन। स्ट्रिंग को काट दिया, कट कर दिया, अब क्या निकालना है, एक एल्फा निकालना है और एक नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। देखो, जब स्ट्रिंग को कट किया
जब स्ट्रिंग को जैसे ही कट किया, सो ये मेरा पॉइंट पी है, पी है। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को कट किया तो इसके अंदर टॉर्क जनरेट हो जाएगा। देखो ना, आपने इसको काट दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये गिरेगा, फिसलेगा, अभी तो फिसलेगा लेकिन रोटेट भी करेगा, तो ये घूमेगा। अब तो घूमते हुए एक्सिस को क्या मानेगा, पी मानेगा। तो पी पॉइंट को एक्सिस मानते हुए, इस पी पॉइंट को, तो कौन इसमें टॉर्क जनरेट करेगा, एम जी कॉस 60, वो एम जी साइन 60 तो इसको ट्रांसलेशन मोशन लेके आएगा, ये टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट एक्ट कर रहा है, तो ये तो टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। टेंशन जीरो हो गई, स्ट्रिंग तो कट गई, ये तो गया, ये गया, ये गया, ये कर नहीं सकता टॉर्क जनरेट, और एन पॉइंट पी पे ही एक्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं कर सकता। बचेगा कौन, एम जी कॉस 60। तो एम जी कॉस 60 से इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो एम जी कॉस 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से कितना है, एल बाय 4, और इस बार वो क्या जनरेट कर देगा, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा, यहां से अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन जो आई होगा वो आई आपको निकालना पड़ेगा, आई पी पॉइंट के अबाउट निकलेगा। तो पी पॉइंट के अबाउट आई कैसे निकलेगा, इसमें हाँ निकाला हुआ ये रहा, सेंटर एक्स, सेंटर के अलोंग रॉड का आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12, और इसके अबाउट क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इन 12 बाय 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से आई को ऊपर कहीं पुट करके अल्फा निकाल लेना, ठीक। और लास्ट पॉइंट में क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, क्या होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन की क्या समस्या है, कि अगर आप नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में तो ये है नहीं, इक्विलिब्रियम तो खराब हो गया, अब तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा जैसे स्ट्रिंग को काटोगे, और नॉर्मल रिएक्शन नो डाउट यहां पर कुछ देर के लिए एक्ट करेगा, लेकिन मुझे इसमें निकालना क्या है, मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो मैं अब इस एक्सिस को धीरे 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 करके सी पे ले आऊंगा, वो क्यों, क्योंकि जब ये रॉड जो है जैसे ही कट करोगे तो एक्सिस हमेशा पी पे नहीं रहेगा, शुरू में तो रहेगा लेकिन फिर वो फ्री टू मूव इन एयर हो जाएगा, और ऐसा करने में उसका जो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एक्सिस क्या माना जाएगा, सी सेंटर माना जाएगा। एक तो ये रीजन है, चलो दो मिनट के लिए मैं दो रीजन देता हूं। तो सेंटर सी को मैंने एक्सिस माना, सेंटर सी को एक्सिस मानते हुए मैंने इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाला, कैसे, नॉर्मल रिएक्शन इंटू एल बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। अब कोई कहेगा सर सी पे क्यों, आप इसी को एक्सिस मान लो जैसे पहले था, कर लो, जब मैं इसको एक्सिस मानूंगा नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्या आएगा, जीरो, प्रिंसिपल मोमेंट में वो अपने आप जीरो हो जाएगा, एन कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो आपको थोड़ा सा लेटर इंस्टेंट पे काम करना है, थोड़ा सा लेटर इंस्टेंट पे क्या होगा कि एक्सिस धीरे धीरे सी पे शिफ्ट हो जाएगा, और सी के पॉइंट को मानते हुए आप इसमें टॉर्क निकाल लें या कुछ ना करें। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालने का क्या तरीका होता है, आपको एक पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाना होता है, और टॉर्क के लिए आपको क्या करना होता है, नेट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। टॉर्क जो है वो कौन जनरेट कर रहा है, वो टॉर्क जनरेट कर रहा है कौन, एम जी कॉस 60, जैसे हमने अल्फा निकाल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फा नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में मुझे एन निकालना है। तो मैं इस एक्सिस को पी को मान नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने पी को ही एक्सिस मान लिया तो रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट एन के साथ इसमें लग ही नहीं सकता, तो मुझे एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करके फिर मैं इसमें टॉर्क निकाल लूंगा, और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। तो वहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, और वैसे भी थोड़ी देर के बाद सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट होनी, एक्सिस जो है वो सी पे ही शिफ्ट होने वाला है, पी पे तो हमेशा रहेगा भी नहीं, वैसे भी जब वो पूरी तरह स्लिप होना स्टार्ट हो ही जाएगा, एक्सिस ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर सी पे चला जाएगा। ये क्वेश्चन तो ईजी है, तो हमने क्लास में ऐसे किए हुए हैं, ये भी आसान है। देखो, जिनमें दो पुलिस लगी होती हैं या तीन पुलिस लगी होंगी, एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज वाउंड, ये आपके सामने एक पुली है, और ये भी ये फिक्स्ड है, और ये एक सिलेंडर है, इस पर रील है, ये सिलेंडर ना खुलता जा रहा है नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ मास नीचे आता जा रहा है, और ये रील खुलती जा रही है। तो आपको इसमें निकालना है, फाइंड दी फिगर शोज, फाइंड दी एक्सलेशन ऑफ सिलेंडर एम टू। चलो वो तो जो निकालने को कहेगा कहेगा, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि ये यहाँ टेंशन टी एन टी डन, इसका सेंटर ऑफ मास ए टू इज द एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए टू, लीनियर एक्सलेशन होगी वो तो, और ये रोटेट भी कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है। तो इसका स्ट्रिंग पी से बांध के क्यू पे बांध रखा है, ऐसे लपेट रखा है, क्यू और पी दो पॉइंट्स हैं,
तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन बनाएंगे, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए टू। ये तो सिंपल इक्वेशन है। डिस्क रोटेट कर रही है, लीनियर मोशन में तो है ही नहीं, डिस्क के ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? आर इंटू टी इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा वन। एल्फा वन का मतलब कि जो पुली लगी हुई है उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा वन, तो यहां से एल्फा वन कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसी सेम रूल इसके लिए भी लग सकता है, ये क्यों? ये भी टॉर्क जनरेट करेगा। कैसे? टेंशन टी इंटू आर, जो टॉर्क है वो सिलेंडर को ऐसे ओपन कर देगा, सिलेंडर तभी नीचे जाएगा जब ऐसे घूमेगा। तो टॉर्क क्या होगा इसके ऊपर? अगेन आर इंटू टी, लेकिन इस बार आई टू इंटू एल्फा टू, उसमें आई वन इंटू एल्फा वन, इसमें आई टू इंटू एल्फा टू, यहां से एल्फा टू कैन बी कैलकुलेटेड। अब वो ये कह रहा है कि नोट जो मैंने लिखा हुआ है, इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, ये टाइट स्ट्रिंग है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू मस्ट बी सेम। देखो अगर वो जैसे चेन है, साइकिल की चेन एकदम टाइट होती है, तो छोटा रिम और बड़े रिम के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होती है। ऐसी अगर ये स्ट्रिंग एकदम टाइट है और आराम से खुलती जा रही है, तो पक्की बात है कि इसकी खुलने की स्पीड, घूमने की स्पीड और इसकी घूमने की टेंजेंशियल स्पीड एकदम सेम है। क्योंकि अगर ये स्लो घूम रही है, ये तेज रिलीज कर रही है स्ट्रिंग को, तो लूज हो जाएगी स्ट्रिंग, या ये स्लो है ये फास्ट है तो भी लूज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा सेम है, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सॉरी सेम है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब पी और क्यू की एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू दोनों में सेम है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती क्या है? ए इज इक्वल टू आर एल्फा, जो ऊपर वाली पुली है, पुली के लिए आर एल्फा वन, और जो क्यू है, क्यू उसकी क्या प्रॉब्लम है? जो पुली है वो उसकी सेंटर मास की तो एक्सेलरेशन कोई है नहीं, सिर्फ आर एल्फा वन है। पुली है उसके बाद दो एक्सेलरेशन है, वो नीचे भी गिर रही है और साथ में वो घूम भी रही है। तो जब वो नीचे, ये रख क्यू पॉइंट, वो नीचे गिर रही है विद सम एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? ए टू, टेंजेंशियल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की है तो इसकी भी ऑब्वियसली है, और साथ में रोटेशन, इसकी रोटेशन क्योंकि सिलेंडर ऐसे खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है आगे की तरफ, तो ऊपर ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल आर एल्फा टू। तो इस पॉइंट की, और अल्टीमेटली कहां गिर रहा है? नीचे, तो ए टू इज ग्रेटर देन आर एल्फा टू। तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगी वो ए टू माइनस आर एल्फा टू होगी। मैंने नोट लिखा हुआ है, आप ए टू माइनस आर एल्फा टू को, यहां से ए टू है ये, ए टू माइनस आर एल्फा टू को लिख सकते हैं आर एल्फा वन। तो आर एल्फा वन का मतलब है नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि जो एल्फा वन आता है वो टोटल नेट के साथ एसोसिएटेड होता है। नेट का मतलब इन दोनों को माइनस करके अल्फा वन आएगा, ठीक। तो इस केस में मैंने ए टू, मतलब मैं इसमें ये कर सकता था इसमें कि ये जो ए टू की वैल्यू है, क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास नीचे गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए टू और आर अल्फा टू ऊपर जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन दोनों को माइनस करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को इक्वेट कर दिया। अल्फा टू अल्फा वन ऊपर से और इक्वेशन नंबर वन से टेंशन निकाल के सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से, या इस मिलता जुलता क्वेश्चन एक मिनट और करवाना चाहता हूँ। इसी के अंदर ना इस पार्ट को देखना, ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर अंतर है दोनों में, सेम केस है, बस फर्क यह है कि उसमें ऊपर वाली पुली फिक्स्ड है, नीचे वाले मूवेबल था, इसमें दोनों सिलेंडर्स मूवेबल है, ठीक। तो अब दोनों सिलेंडर्स मूवेबल है, क्वेश्चन में देखना, दोनों सिलेंडर्स मूवेबल है इसमें, हाँ लग रहा है, रील से लग रहा है खुलेगी। तो इसका साइड व्यू बना रहे हैं, प्लीज साइड व्यू में दो रस्सियां दिखेंगी, तो टेंशन रास्ते में टी नहीं लगानी, टूटी टूटी, वो दो रस्सी है ना, टी एंड टी सेम बनेगी, तो नेट वेक्टर टूटी टूटी। तो साइड व्यू जब बनेगा तो ये ए और ये बी सेंटर बनेगा, तो इसमें एम जी नीचे की तरफ है और रोटेशन का इसमें एल्फ है, और क्योंकि ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, देखो डायरेक्शन कैसे हो गई, ये ऐसे घूम रहा है और ये खुलने के लिए ऐसे खुलेगा, ठीक। तो इसके लिए अल्फा डैश है, तो मैंने फिर वही यूज किया, नीचे आने की जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की, वो मैंने क्या लिख ली, आर अल्फा प्लस आर अल्फा डैश। वो कैसे? अगर आप पिछला रिजल्ट देखो जो अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें उल्टा किया मैंने, उसमें मैंने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए टू एज्यूम की और आर अल्फा निकाला, जबकि मेरा एंड रिजल्ट सेम है, ए टू इज इक्वल टू आर एल्फा वन प्लस आर एल्फा टू। तो ए टू का मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है,
सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इज आर अल्फा वन प्लस आर अल्फा टू, और वही रिजल्ट मैंने उसके अंदर यूज किया। तो ध्यान से, उसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मैंने अज्यूम नहीं की, उसमें मैंने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को अल्फा की फॉर्म में निकाल लिया। इसमें एक स्टेप उल्टा किया, इसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए टू मान ली, ऊपर वाली पुली की एक्सेलरेशन आर अल्फा मान ली, और नीचे वाली पुली की एक्सेलरेशन दोनों को माइनस करके ऐसे निकाल लिया। ठीक, कुछ ऐसा किया। ठीक, पॉइंट, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये वाला ज़्यादा आसान लगता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि ये बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है वो ए है, जो आर अल्फा प्लस आर अल्फा डैश है। ये सबसे बेस्ट है, क्यों माइनस के चक्कर में पढ़ना, ये ज़्यादा ठीक है। उस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आर अल्फा प्लस आर अल्फा डैश है। हालांकि मैंने इसका प्रूफ भी अलग लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई चीज़ खुलती है तो वो स्ट्रिंग रिलीज हो जाएगी, सिलेंडर जब खुलेगा तो स्ट्रिंग रिलीज होगी। तो अगर कोई चीज़ थीटा घूमती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, एक्स, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ से एक्स खुल जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक सिलेंडर अपनी स्ट्रिंग खोल रहा है, कितनी खोल रहा है, आर थीटा, और दूसरे कितनी खोल रहा है, आर थीटा डैश। मान लो उसकी वो बड़ा सिलेंडर या छोटा सिलेंडर हो सकता है, तो वो आर थीटा डैश घूम जाएगा। अगर पहला सिलेंडर थीटा घूमता है तो दूसरा हो सकता है थीटा डैश घूम जाए। तो टोटल जो स्ट्रिंग खुलेगी, क्योंकि ऊपर वाला सिलेंडर भी स्ट्रिंग खोल रहा है और नीचे वाला भी खोल रहा है, तो स्ट्रिंग तो ज़्यादा खुल गई ना, कितनी खुल गई, इन दोनों का सम खुल गया। अगर मैंने दो बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये ए आ जाएगा, इन्हें करूँगा तो ये अल्फा और अल्फा डैश आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ भी इस एक तरीके से इसमें लिखा हुआ, ऐसा क्यों होता है, पर मेरे को नहीं लगता ऐसा याद करने इतना कुछ करने की ज़रूरत है। आपको वैसे रिजल्ट याद हो गया होगा कि नीचे आने की जो नीचे वाली बॉडी होती है उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू आर अल्फा वन प्लस आर अल्फा टू, दैट्स इट। बस ये रिजल्ट सीधा याद करेंगे और सीधा इसमें लगा देंगे, बस उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। कि ए बॉडी है ऊपर वाली, इसमें कौन टॉर्क जनरेट करेगा, टू टी, टू टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ से अल्फा आ गया। और जो बी बॉडी है इसमें भी टॉर्क कौन जनरेट करेगा, टू टी, टू टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, नहीं, अल्फा डैश आ गया। और इसके लिए ये जो बॉडी है एम जी, एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम इंटू कितना, ए, पर ए को क्या पुट कर सकते हैं, आर अल्फा, आर अल्फा डैश। तो अल्फा अल्फा डैश को पुट करते रहना, टेंशन की वैल्यू आएगी। ठीक, एक बार घर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से स्टेप में कैसे लगेगा, पर जिनमें दो दो चीज़ें नीचे मूव करेंगी तो एक आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे सॉल्व। ये कहाँ से, अच्छा ये तो सिंपल है, ये तो क्लास के अंदर भी बताया था, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया। देखो, तीन पॉइंट मासेज है, ए बी सी, एम एम एम, और ए हिंज्ड है। इधर से वो एफ फोर्स लगाई, पूरा का पूरा ट्रायंगल इसको एक्सिस मानते हुए ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम जाएगा, ये ए को हिंज्ड मानते हुए, एंड द बॉडी सेट इन टू रोटेशनल मोशन, टेबल सब कुछ गिवन है, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ए को मानते हुए ओमेगा के साथ घुमा दिया। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एग्जर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी। हिंज ने क्या किया, बॉडी के हिंज ने कितनी फोर्स लगाई, बेसिकली ये निकालनी है। सबसे पहले आपको ऐसे करना है कि अलग अलग सॉल्व किया जा सकता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, हर मासेज की अपनी अपनी फोर्स एंड टॉर्क निकलेंगी, नहीं निकालना। आप पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ले लें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके सेंट्रोइड पे आ जाएगा। और जब ये ट्राइंगल पूरे का पूरा घूमेगा, आपने इमेजिन करना है मेरा सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन अ सर्कल, सेंटर ऑफ मास इज सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास की दो एक्सेलरेशन होंगी, एक सेंट्रीपेटल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए होगी क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मैंने इसमें अल्फा एज्यूम किया है तो ओमेगा इज चेंजिंग, तो ए टी होगा, और अगर अल्फा नहीं होगा तो ए टी नहीं होगा, सिर्फ ए सी होगा। तो अब मुझे ये पता है जो सेंट्रोइड होता है उसके अकॉर्डिंगली जो ए डी ये पूरी लेंथ है वो आप निकाल सकते हो एल की फॉर्म में, और सेंट्रोइड का जो रेडियस है वो आर है, और सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 की रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगी, 2/3 टाइम्स पूरा डिस्टेंस। तो पूरा सॉल्व करके 2/3 टाइम पूरा डिस्टेंस सॉल्व करके आपके पास पहले तो आर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने ए टी इसलिए लिया, फॉर वैल्यू इज चेंजिंग, ओमेगा इज चेंजिंग,
एंड ए सी इसलिए लिया बिकॉज सेंटर ऑफ मास अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट इज मूविंग इन अ सर्कल. तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, आर ओमेगा स्क्वायर. आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या है इसमें, ये रहा एल बाई रूट थ्री. तो एल बाई रूट थ्री ओमेगा स्क्वायर. और ए टी क्या होगा, आर एल्फा. आर एल्फा ये रहा. तो ये बेसिकली किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज. अल्फा वैसे कांस्टेंट ही होगा, क्या ही दिक्कत है. तो ए सी और ए टी आ गया, ठीक. तो ये इसको हमने संभाल के रख लिया. अब इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करते हैं, ये हिंज्ड है, यहाँ का जो हिंज है ये दो फोर्सेस लगाएगा, नेट फोर्स लगाता होगा. मान लो मैं ये ज्यूम करता हूँ कि इसकी एक्स एक्सिस की फोर्स एफ एक्स है और वाई एक्सिस की फोर्स एफ वाई है, कोई नेट फोर्स लगती होगी जिसके मान लो दो कॉम्पोनेंट्स है एफ एक्स एंड एफ वाई. तो नेट फोर्स क्या होगी जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, एफ तो एक्स एक्सिस पे लगेगी लगेगी, साथ में एफ एक्स भी होगा, हिंज की फोर्स भी लग रही है. तो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या बनेगी, एफ एक्स प्लस एफ. और टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना है, 3m. तो टोटल लीनियर फोर्स x एक्सिस की इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में सेंटर ऑफ मास कहां मूव कर रहा है, x एक्सिस में 80. सेंटर ऑफ मास की x की एक्सेलरेशन कितनी है, 80. तो क्या लिखेंगे इसमें, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. 80 की वैल्यू को ऊपर से नीचे पुट कर दिया, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई. अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास y एक्सिस की अगर बात करते हैं तो y एक्सिस की फोर्स कहां है, ऊपर है. और y एक्सिस की फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी सेंटर ऑफ मास को, सेंट्रीपिटल, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कल. तो वो उसके रेडियस की तरफ एक्ट कर रही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन एफ वाई आ गया. एक आंसर एफ वाई तो आ गया, एफ एक्स निकाल लेते हैं. अब एक काम करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क्स के अकॉर्डिंगली टॉर्क निकालते हैं. टोटल फोर्स, अब अगर मैं ए एक्सिस को मानता हूँ, ए मेरा एक्सिस है, एक फोर्स क्या एक्ट कर रही है इसमें, एफ, जो क्या प्रोड्यूस कर रही है इसमें, टॉर्क कितना, एफ इंटू कितना, ए डी इज इक्वल टू आई अल्फा. ए डी आपने ज्योमेट्री से निकाल लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का तो काउंट नहीं होगा, इसका एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा. तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा. अल्फा को उठा के कहाँ पुट करना है हमने, अल्फा को इक्वेशन नंबर नीचे जो वन थी, अल्फा की वैल्यू आ गई. इस अल्फा को उठा के यहां पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया. हिंज की दो फोर्सेस है एफ एक्स एफ वाई, तो एक फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही है और दूसरी टेंजेंशियल के अंदर हेल्प करेगी आपको. तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम है जो कि सेंटर ऑफ मास से सॉल्व होने वाली है, ठीक.
ये असाइनमेंट फिर भी एज कम्पेयर टू बाकी असाइनमेंट ईजी है, किया ये ट्राई? नहीं। देखो पहला क्वेश्चन तुमने किया हुआ क्लास में, ये नहीं करेंगे हम, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और लेंथ इसकी एल है। आपने इसमें क्या किया कि इसको सस्पेंड कर दिया ओ पॉइंट से और इन एक्सटेंशनल मास्कुलर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ की स्ट्रिंग है। वर्टिकल लाइन ए बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई एट, ये लाइन है और कितनी दूरी पे, एल बाई एट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू, तो नीचे से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दे दी हमने, यू। एट सम पॉइंट इट्स मोशन सीजेस टू बी सर्कुलर एंड इवेंचुअली द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द लाइन ए बी। कह रहे यार अच्छा भला ये सर्कल में जा रहा था, ठीक, सर्कुलर मोशन कहते हैं खत्म हो गई इसके बाद, रास्ते में कहीं सर्कुलर मोशन खत्म हो गई। अगर खत्म हो गई यानी कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट नहीं रही, अब इट विल मूव लाइक अ प्रोजेक्टाइल, तो इसके बाद अब वो प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करना शुरू कर देगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन हो जाता। सर्कल में तो स्ट्रिंग टाइट रहती है, वो कह रहा है मोशन सीजेस, सर्कुलर मोशन सीजेस, तो अच्छा भला यहां से यहां सर्कल में जा रहा था, ये लग रहा है सर्कल, लेकिन एक्चुअल में इसके बाद उसने क्या शो कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब भी सर्कुलर मोशन सीजेस तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग इज फ्री टू मूव, तो उसको जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां मिलती होगी सर्कल के अंदर वही उसकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हो जाएगी, अब वो प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। तो क्वेश्चन है एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ए बी, जब वो ए बी लाइन को क्रॉस कर रहा था उससे पहली मोशन सीज हो गई थी, तो आपको ये बताना है वेलोसिटी इस केस में, हाँ जब वो लाइन को क्रॉस कर रहा था रादर, वो कह रहा है निकालना क्या है, फाइंड यू, आपने कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया, तो यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि सी पॉइंट पर स्ट्रिंग जो है वो टाइट नहीं रही, तो स्लैक होगी इसमें, मतलब इसमें बल पड़ गए, तो रोटेशन सर्कुलर मोशन तो यहाँ पे खत्म होता है। उससे पहले चल रहा था, तो उससे पहले पहले क्या इक्वेशन लग रही थी, इसको U से स्टार्ट किया था, ये L बाई एट चल रहा है, तो मान लो थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो mg mg साइन थीटा mg cos थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ऑब्वियसली ये थीटा आएगा, तो यहाँ से आप वो कॉम्पोनेंट्स यहाँ से ड्रॉ करेंगे, नहीं उल्टा बोल दिया, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो mg का एक कॉम्पोनेंट mg cos थीटा mg साइन थीटा। तो जब ये सर्कुलर में मूव कर रहा था तो इक्वेशन क्या बनती थी, mg साइन थीटा प्लस t is equal to mv square by l, और v velocity question में given नहीं है, v velocity तो उस instant की velocity है जब वो यहाँ पे था, but c point पर वो string tight नहीं रही तो tension क्या हो गई, zero, तो यहाँ से solve करके क्या आ गया, v की value आ गई, तो theta angle पर v की value आ गई मेरे पास। अब क्योंकि v जब निकालना होता है circular motion, अगर आपको याद हो तो energy conservation से निकलता है, तो energy conservation में lowest point पर सिर्फ kinetic energy हाफ एम वी स्क्वायर, ग्राउंड है मान लो, इस पॉइंट पर kinetic कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है, ये हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, l तो है ही है, अगर ये l है ये थीटा है, तो ये l साइन थीटा है, तो टोटल हाइट l साइन थीटा प्लस l, पोटेंशियल क्या आ जाएगी, एम जी इंटू l प्लस l साइन थीटा। तो यहाँ से एक इक्वेशन एनर्जी की बनी, एनर्जी की इक्वेशन से आपने यू स्क्वायर निकाल लिया, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये एक और इक्वेशन आ जाती है। अब इस केस में सी पॉइंट से पार्टिकल किस में मूव करेगा, इन प्रोजेक्टाइल, तो सी पॉइंट पे पार्टिकल प्रोजेक्टाइल है, और सी डी की वैल्यू डायग्राम से देखते हैं, जो सी डी की वैल्यू है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा यहां पे, उसने कहा सर्कल नहीं लेना, टॉप मोस्ट पॉइंट यही लेना है, तो ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट इज एट द हाफ द रेंज, तो अगर वी वेलोसिटी से अगर ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो अगर मैं वी वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट करता हूं, वी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को, तो हाफ द रेंज का मतलब क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, आप कहेंगे ये एंगल तो थीटा रहा नहीं, 90 माइनस थीटा है, रेंज रिमेन सेम, इफ एंगल इज थीटा और 90 माइनस, तो रेंज के फॉर्मूले को हाफ किया तो ये क्या आ गया, सी डी आ गया, पर सी डी किसके इक्वल आएगा, ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें, एल,
ठीक, ये जो टोटल डिस्टेंस है क्या निकालना है, सी डी, ओके, ये छोटा डिस्टेंस निकालना है रादर मुझे, ठीक। ये छोटे डिस्टेंस निकालने के लिए अगर इमेजिन करता हूँ ये ट्राइंगल यहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एल, और एल में से क्या माइनस करेंगे इसमें, नहीं रिपीट करता हूँ, मुझे सी डी निकालना है, मुझे ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये एल नहीं आएगा क्योंकि ये एल है, ये एल है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा, यहाँ तक एल कॉस थीटा में से ये एल बाई एट माइनस किया तो ये सी डी डिस्टेंस आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लो ना राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला कंटिन्यू करो जिसमें ये एल है, ये एल कॉस थीटा है, तो एल कॉस थीटा में से एल बाई एट गया तो सी डी आ गया, ये रहा। तो यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर की एक इक्वेशन आई, इस वी स्क्वायर को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और इसे अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा, थीटा, क्योंकि गाड़ी कहाँ अटक गई थी, यहाँ अटकी थी और मुझे क्या नहीं पता था, थीटा और वी, वी भी आ गया, थीटा भी आ गया, यू आ जाएगा, कैलकुलेशंस है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, कि वो कह रहा है कि इसमें जो एक बॉल है जिसका मास गिवन है, चार्ज गिवन है, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ गिवन, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच शुड बी इंपार्टेड टू द लोअर बॉल सो दैट इट कैन मेक कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो वर्टिकल, जैसे हमने वो बकेट को घुमाया था क्लास में, ये चार्ज पार्टिकल को घुमा रहा है, फर्क ये होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो ही जानी है, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक चार्ज 1 माइक्रो कूलम है और अनदर आइडेंटिकल बॉल, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम चार्ज है, तो जब ये चार्ज क्यू है, ये क्यू है, तो क्यू क्यू को क्या करेगा, रिपेल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे एक्ट करेगी एफ, वेट भी नीचे एक्ट करेगा, टेंशन ऊपर एक्ट करेगी, हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में ये एफ नहीं होता, ये होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फोर्स है एफ, ऐसी क्यू क्यू को ऊपर रिपेल करेगा तो इसकी फोर्स ऊपर आएगी, टेंशन नीचे आएगी, वेट भी नीचे आएगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो है, क्या बचा, एक एम जी बचा और एक ऊपर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बची। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर दो चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू तो आपस में वो अट्रैक्ट कर रिपेल करते हैं विद अ फोर्स ऑफ 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर, ये हम प्लस टू का पहला फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला याद करना है, 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू वन क्यू टू की जगह क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि इट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड सेंटर, कितनी, एम जी माइनस बाहर की फोर्स, एम जी माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई एल, ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है यहाँ से। और दूसरे एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, यहाँ काइनेटिक कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है, एम जी इंटू टू एल, मतलब वो सेम डेरिवेशन कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, बस फर्क है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ से वी स्क्वायर को यहाँ पुट करके यू कैन बी कैलकुलेटेड, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स है और इसमें कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। तो पॉइंट मासेज हैं एम वन एम टू, और पॉइंट मासेज का ये एक्सेस है एक्स और एल माइनस एक्स पे, नेग्लिजिबल मास है इस रॉड का, और फाइंड द पोजीशन ऑन द रॉड विच द एक्सेस शुड पास इन ऑर्डर दैट वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट शुड बी मिनिमम, ओमेगा को कम से कम होना चाहिए इसमें। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर वर्क डन कितना है, वर्क डन यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट पार्टिकल का कितना m1 into x square, सेकंड का कितना m2 into l minus x का whole square, and is rotating with omega naught. तो ये स्टेप क्लियर है, वर्क डन आ गया, वर्क डन को क्या करना है, मिनिमम, और x की पोजीशन बतानी है जब वर्क डन मिनिमम है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलस से कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको मिनिमम करना है उसको डिफ्रेंशिएट, और विद रिस्पेक्ट टू जो निकालना है, क्या निकालना है, x, तो इसको जीरो करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आएंगे, ठीक है यहां तक। एच टाइप एक रॉड है, तीन रॉड्स हैं, एक्सिस को फिक्स किया, यह एच, मेरा हाथ एच है मान लो, फिक्स किया, इसको पकड़ लिया यहाँ से, इसको छोड़ दिया, तो ऐसे घूमेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये एच है, ये एच है, ऐसे एच की एक एक लाइन है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, तो एक्सिस क्या होगा, ये होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो पहले ये हॉरिजॉन्टल था और
ये फिर वर्टिकल हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल था फिर ये वर्टिकल हो गया। आपको इसमें ओमेगा बताना है घूमने का क्या होगा। हमने क्लास में किया था तीन रॉड जब लेते थे थिन रॉड्स, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आता था, मैंने क्लास में आया था 4/3 ml² याद है कि इसके अबाउट तो जीरो हो जाता है, इसके लिए ये टेंजेंट है ml² / 3 और इसके लिए पैरेलल एक्सिस लगाएंगे इसके अबाउट जीरो प्लस ml² तो 4/3 ml² होता है। जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है रोटेट करके घुमा रहे हो तो देर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पहले, पहले जब ये रॉड कुछ इस तरीके से है, ये रहा एच, ये रहा एच, ठीक, ये रहा एच, तो मान लो ग्राउंड नीचे है, तो जब ये ऐसे हो गया डायग्राम एच का, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इस ऊपर वाले एक्सिस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अभी भी यहीं पर, अभी भी यहीं पर है, इसमें कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पर आप इसको देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का सेंटर पे है एट हाइट ऑफ L/2, तो पहले ये यहाँ पे था, अब ये L/2 डाउन आ गया, ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला यहाँ पे था, L/2 डाउन आ गया, नीचे वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये L डाउन आ गया, पूरी रॉड जितना डाउन आ गया, mg L/2 mg L, दो रॉड्स की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ ω² ω निकाल लेना, ठीक।